Hi, Namaskar. Welcome to my channel, Stay Perfectly Imperfect. If you are seeing this face for the first time, I am Anshika and aapka mere channel mein swagat hai. Now, this video is very close to my heart because sabse pehli baat, ye 2022 ka mera pehla video hai. और दूसरी बात ये मेरा 100वां वीडियो है फॉर माय यूट्यूब चैनल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेक आउट अ मिनट एंड थैंक ऑल द पीपल हु हैव सपोर्टेड मी इन दिस एंटायर जर्नी फ्रॉम पास्ट 3 इयर्स एंड आई होप यू पीपल विल बी कीप सपोर्टिंग मी एंड अ लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. ओके, सो आपने टाइटल से तो पढ़ा होगा कि मैं वीडियो किस बारे में है. एंड यस, बिकॉज हम इतना ज्यादा आजकल मोबाइल, लैपटॉप, टीवी यूज करते हैं कि जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया हमारा होता है बॉडी में वो है हमारी आईज और आईज के साथ उसके आसपास वाला एरिया. सिंस यहाँ की जो टिश्यूज होती है वो बहुत डेलिकेट होती हैं, इसलिए इनको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा नरिशमेंट की जरूरत होती है. एंड ऑफन हम लोग इसको इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा डार्क पिगमेंटेशन होते हैं जो एक टाइम के बाद फिर जिनको ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए इफ यू आर कॉलेज गोइंग, इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, जो भी आप कैटेगरी में आते हो, मैं उसके हिसाब से 3 ऐसे बेस्ट सॉल्यूशन अंडर आई क्रीम्स लेके आई हूं जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, प्लस दे आर गोइंग टू बी बजट फ्रेंडली. तो देखो, अभी ये जो 3 अंडर आई क्रीम्स हैं, इन तीनों को मैंने जो चीज इनमें कॉमन है वो ये है, तीनों जो है वो होम ग्रोन ब्रांड से आए हुए हैं, मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, तीनों हर्बल हैं, तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है. दे आर यूजिंग हर्बल प्रोडक्ट्स ओनली. उसके अलावा तीनों की क्वांटिटी इज 15 ग्राम्स एंड तीनों का प्राइस इज अराउंड 200 रुपीज. सो सेम प्राइस में सेम क्वांटिटी फ्रॉम इंडियन ब्रांड्स में इन तीनों को कंपेयर करने वाली हूँ. तो मैं पहले आपको एक एक करके इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, इनके यूसेज, टेक्सचर, एवरीथिंग के बारे में बताऊंगी. उसके बाद एट द एंड आई विल टेल यू विच इज द बेस्ट टू परचेज. एनी वेज यू कैन परचेज एनी ऑफ देम, बट मैं बताऊंगी कि किस किस कैटेगरी के हिसाब से कौन सा परचेज करना चाहिए. So without wasting any time, let's get started. Okay. So the first under eye cream in this range, what I'm going to talk about is this one. This is Himalay under eye cream. This is the quantity, as I mentioned, it's 15 ml and the price is 200 rupees. तो ये एक बहुत छोटा सा ट्यूब पैकेजिंग में आता है, काफी हैंडी है. और मतलब इन्होंने अननेसेसरी प्रोडक्ट के पैकेजिंग में पैसे वेस्ट नहीं किए हैं एंड इट्स क्वाइट स्लीक. और इसमें इस टाइप का एक छोटा सा ओपनिंग आता है तो बहुत इजी कर देता है ये कि आप डायरेक्टली चाहो तो यहाँ पे भी रख के क्रीम यूज करके अप्लाई कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू टेक इट यू नो ओवर योर फिंगर तो वो भी आप कर सकते हो, तो एक बहुत अच्छी चीज है. अब मैं टेक्सचर दिखा देती हूँ आपको. तो टेक्सचर की हम अगर बात करें तो टेक्सचर इज प्रॉपर क्रीमी, ये आप देख सकते हो. इसमें बेसिकली सिर्फ एक मेन इंग्रेडिएंट है जो है कैपिडेसा बेसिफेरा, जो कि एक्चुअली इंडिया में भी पाया जाता है ये स्पेसिफिक प्लांट, जो कि वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में मिलता है. इसका प्राइम जो है वो इट हैज एंटी वेनम प्रॉपर्टीज, ऑल्सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पिगमेंटेशन. तो ये दोनों चीज इसमें है. तो इनका जो प्राइम यू नो इंग्रेडिएंट है वो यही है. और ये ऐसा कहते हैं कि ये 50% ऑफ योर डार्क सर्कल रिड्यूस करेंगे जस्ट 4 वीक्स ऑफ यूज के बाद. तो मैंने इसको कंटिन्यूअसली 4 वीक्स के लिए यूज किया था. ऑल्दो मतलब मुझे इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे दिखे क्योंकि ये एक्चुअली वर्क करता है. बस बात इतनी है जो मैं हर अंडर आई क्रीम के साथ आपको कहना चाहूंगी, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एक हफ्ता लगा और आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे, क्योंकि जो अंडर आई में आपने पिगमेंटेशन बनाया है ना, वो एक वीक में नहीं बनाया, उसको इवेंचुअली वो इंक्रीज हुआ है आपका, तो वो इवेंचुअली ऐसे ही डिक्रीज होगा. तो इस हिसाब से बहुत अच्छा काम करता है. सो इट्स क्वाइट यू नो हैंडी एंड अफोर्डेबल अंडर आई क्रीम दैट यू कैन यूज. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड वन. द सेकेंड वन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज दिस वन. दिस इज एरोमा मैजिक अंडर आई जेल एंड इसका क्वांटिटी इज 20 ग्राम्स, थोड़ा सा एज कम्पेयर टू बाकी जो मैं दोनों की बात करने वाली हूँ उससे थोड़ा सा ज्यादा है, बट स्टिल प्राइस इज ऑलमोस्ट सेम. एंड जैसा मैंने पहले बोला कि जो हिमालय वाला है उसका क्रीम बेस्ड कंसिस्टेंसी है, बट इसका कंसिस्टेंसी क्रीम बेस्ड नहीं है. पैकेजिंग इज ऑल्दो सेम, ये थोड़ी बिगर ट्यूब है क्योंकि 20 ग्राम है, पैकेजिंग इज ऑलमोस्ट सेम. तो अगर मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी दिखाऊं
आप देख पा रहे होगे आई थिंक। तो इट्स जेल बेस्ड, प्रॉपर जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी एंड बहुत बहुत लाइट वेट, बहुत स्मूथ। मतलब दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों सेम अपने लेवल पे इजिली मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आईज में। बट सिंस दिस इज जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी, तो मैं हमेशा क्रीम बेस्ड कंसिस्टेंसी से ऊपर जेल बेस्ड को प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि जेल बेस्ड जो होता है ना वो बिल्कुल रेसिड्यू नहीं छोड़ता है एज कंपेयर टू क्रीम बेस्ड। मतलब अगर जल्दी जल्दी में आपने कभी भी क्रीम बेस्ड को प्रॉपरली अगर डिवाइड नहीं किया है, मिलाया नहीं है, तो क्या होता है कि वो उसका कुछ रेसिड्यू दिख सकता है। बट जेल बेस के साथ वो प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मैं इवन जो मॉइस्चराइजर भी ढूंढती हूँ वो हमेशा जेल बेस ढूंढती हूँ। एंड ऑल्सो एक और चीज, अगर आपकी मतलब बहुत ज्यादा ऐसे सेंसिटिव स्किन है और आपको लगता है कि क्रीम बेस्ड जो वो है, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे भी पिंपल्स आते हैं, मुझे आते हैं, मेरे को आईब्रो के जस्ट नीचे पिंपल आते हैं, तो जिन लोगों को लगता है कि उनकी स्किन सेंसिटिव है, हो सकता है यहाँ पे कभी गलती से बाई चांस पिंपल आ सकता है, तो उन्हें तो जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी पे ही जाना चाहिए। दे शुड अवॉइड, सॉरी, दे शुड अवॉइड क्रीम बेस्ड कंसिस्टेंसी। तो ये रहा सेकेंड प्रोडक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थर्ड अंडर आई जेल, विच इज दिस वन। दिस इज, यू नो, मेरा एक्चुअली मेरे तीनों ब्रांड्स बहुत फेवरेट, ऐसी कुछ बात नहीं है ये, बट मुझे बायोटिक के प्रोडक्ट पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ वो बहुत अच्छा रहा है। तो ये जो थर्ड प्रोडक्ट मैं बात करने वाली हूँ, थर्ड प्रोडक्ट है बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा बायोसीड रीवाइटलाइजिंग एंटी फटिक आई जेल। तो इसका सिंस नेम सजेस्ट, ये भी जेल कंसिस्टेंसी है, तो मैं इसका कंसिस्टेंसी भी एक बार आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ओके, सो ये भी जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी है, इजिली स्मूथली आपके आईज पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेम मतलब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें कुकुम्बर है, बादाम ऑयल है, बहुत सारे एक्सट्रैक्ट हैं, तो ये एक मतलब इन टोटल एक बहुत अच्छा पावर पैक, पावर हाउस है आपके आंखों को नरिशमेंट देने के लिए, वो एक बहुत अच्छी बात है। 15 ग्राम क्वांटिटी है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। एंड इसका टब पैकेजिंग है, दोनों के कंपेरिजन में मुझे इसका पैकेजिंग थोड़ा कम अच्छा लगता है, क्योंकि आई पर्सनली अवॉइड टचिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि मैं जब भी इसको निकालूंगी तो एनी वेज आई एम गोइंग टू टच द प्रोडक्ट, क्योंकि बाकी सारे, एंड मैं पर्सनली चाहती नहीं कि अगर मेरे बाई चांस, मतलब हमारे हाथ में हमें हम क्लीन करके ही निकालते हैं, बट अगर बाई चांस कुछ ऐसा डर्ट कुछ रहे तो वो बाकी सारे प्रोडक्ट को कंटेमिनेटेड कर सकता है, तो मेरे को हमेशा ट्यूब बेस्ड पैकेजिंग ज्यादा पसंद आती है एज कम्पेयर टू टब बेस्ड। बट कोई बात नहीं, इट्स नॉट दैट मच अ बिगर डील कि यार उसके बिना चा काम नहीं चलेगा, बट दैट्स फाइन। बट स्टिल या पैकेजिंग वाइज आई गिव प्रेफरेंस टू दोस्ट टू, एंड बट प्रोडक्ट वाइज ये भी बहुत अच्छा है। सी, तीनों प्रोडक्ट जो है वो पफिनेस, अंडर आई के में जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, काफी हेल्पफुल है, मतलब आपको इवन रिजल्ट्स जो है वो बहुत जल्दी दिखने लगेंगे। बस बात, अब मैं थोड़ा सा कंपेयर कर लेती हूँ तीनों को। देखो, सबसे पहले क्रीम बेस्ड को मैं जेल बेस्ड से कंपेयर करूंगी, तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा जेल बेस्ड रहेगा, तो क्रीम बेस्ड मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाता है। पैकेजिंग के हिसाब से आई विल गिव प्रेफरेंस टू द फर्स्ट टू एरोमा मैजिक इन हिमालय, नॉट टू दिस बायोटिक वन, क्योंकि टब बेस्ड पैकेजिंग है। तीसरी बात, अगर मैं बात करती हूँ क्रीम बेस्ड है, तो क्रीम बेस्ड में उतना कूलिंग सेंसेशन आपको नहीं मिल पाता है जितना आपको जेल बेस्ड में मिलेगा, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जेल बेस्ड हमेशा अंडर आई क्रीम को मैं फ्रिज में रखती हूँ और उसको मैं रात में अप्लाई करती हूँ। फ्रिज में रखने की वजह से, क्योंकि वो थोड़े से कूल हो जाते हैं, तो उनका और ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपको रिलैक्स करने में, आपको कूल डाउन करने में बहुत हेल्प करते हैं। और आई को अगर आप ठंडी कहते हैं, हम लोग आई के मास्क लगाते हैं ठंडे ठंडे जेल वाले, क्योंकि हम अपने आईज को थोड़ा रिलैक्स देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से अगर सोचूं तो ये दोनों बायोटिक एंड एरोमा मैजिक के आप फ्रिज में रख के उनको प्रॉपरली यूज कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ फोर्थ पॉइंट की। अगर आपको पफिनेस है, पफिनेस बहुत ज्यादा रहती है आपके आईज में, तो आप फॉर श्योर ये बायोटिक वाला यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है, बादाम ऑयल है, तो क्या करते हैं ये आपके पफिनेस जो है उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके आईज का एरिया जो है वो बहुत ड्राई रहता है, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन से परेशान हो, तो फॉर श्योर आप हिमालय पे जाओ, क्योंकि तीनों जो है वो धीमे ही काम करते हैं फॉर अंडर आईज डार्क सर्कल। थोड़ा टाइम इनको चाहिए, ऑलमोस्ट आपको एक महीना इनको कंसिस्टेंटली लगाना होगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये तीनों अच्छे हैं,
बट स्टिल इनका अलग अलग यूसेज है, तो वो मैंने आपको काफी कुछ एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। उसके अलावा अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि आपकी जो आईज है वो बहुत ज्यादा मतलब थका थका महसूस करती है, तो आप अरोमा मैजिक वाला यूज कर सकते हो विदाउट फ्रिज में रखे हुए, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट एक कूलिंग सेंसेशन है, तो ये एक अच्छी बात है। सो मैंने इन टोटल तीनों को कंपेयर किया है, यू कैन परचेज एनी ऑफ देम, बट स्पेसिफिकली अगर आपकी कोई नीड है तो आप वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको पहले, आप उसके हिसाब से भी परचेज कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं यही अपने वीडियो को फिनिश करूंगी। स्टिल अगर आपको कुछ इश्यू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तो वहां भी आप अपनी चीजें पूछ सकते हो। एंड लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर देना, इंस्टा हैंडल में मेंशन कर दूंगी कहीं, वो आप जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वहां पे मेरे चैनल मेरे इंस्टाग्राम से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मैं नए प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ वो सब डालती रहती हूँ। सो यस, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।